हेलो एवरीवन, ये है वीडियोज़ वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। ये क्या होता है इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर्स? कभी कभी क्या होता है कि हमारे दो मेंबर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर कोई जॉइंट नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर हमारा एनालिसिस के टाइम पर रिजल्ट में एरर आएगा। तो वहाँ पर जॉइंट कैसे लगाएं, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर। सेकेंड आता है मर्ज मेंबर। आपके अगर दो मेंबर हैं, आप चाहते हो मर्ज करके वो एक मेंबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं मर्ज मेंबर। री नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। री नंबर, आप जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक बीम कॉलम और एक जॉइंट का एक नंबर होता है स्टैट प्रो में, ठीक है। और जब हम कोई भी मॉडलिंग करते हैं तो सिक्वेंस वो नंबर चलते जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कुछ और अपनी तरफ से नंबरिंग देना, जैसे कि आइडेंटिफी के लिए, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर को हम देना चाहते हैं 1000 से नंबरिंग, सेकंड फ्लोर को 2000 से, जिससे हम जब रिपोर्ट जनरेट करें तो हमें नंबर से पता जाएगी किस फ्लोर का कौन सा बीम है। तो इस तरह से अगर आपको नंबरिंग करनी है तो री नंबर वहाँ काम आता है। और स्प्लिट बीम, जो आप नोड इंसर्ट करते हो किसी बीम में, उसी को हम स्प्लिट बीम भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दो मेंबर बनाए और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट जब हम सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स को तो अलग अलग सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जॉइंट कैसे बनाया जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे है आपका एक इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर और उसमें जाना है आपको इंटरसेक्ट पे। यहाँ पे जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एंटर टॉलरेंस। ये पूछ रहा है कि जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मेंबर, इनके बीच में गैप कितना है। तो ये ओवरलैप कर रही है, गैप इनके बीच में जीरो है, तो हम जीरो पे ही ओके कर देंगे। और आप देखिए, एक मैसेज आएगा कि टू न्यू बीम क्रिएटेड। और अब आप देखेंगे ओके करके तो यहाँ पे जॉइंट बन चुका है। तो जब हम कभी, ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ऑटो कैड या किसी और सॉफ्टवेयर के प्लान को इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे बीम ऐसे ही ओवरलैप हो जाते हैं, एक के ऊपर से दूसरा ऊपर जा रहा होता है इंटरसेक्ट, पर वहाँ पर जॉइंट नहीं होता। तब क्या करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके इस कमांड को अप्लाई कर देते हैं और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ वहाँ पर जॉइंट आपके लग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टूल पर चलते हैं, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। ये भी हमारी दिक्कत तब आती है जब हम किसी और सॉफ्टवेयर से हम स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं और इस बीम के अंदर इंसेक्ट कर लेते हैं कुछ मेंबर्स, तो जॉइंट्स 3 कर लेते हैं, एड एंड पॉइंट ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक चीज और कर लेते हैं, आप शिफ्ट बी से बीम नंबर हम इसमें लगा लेते हैं। तो ये बीम नंबर है 1 और ये है 2, हम चाहते हैं मर्ज होके 1 हो जाए या मर्ज होके बीम नंबर 2 हो जाए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया। देखिए, आप जॉइंट पर सिलेक्ट क्लिक करोगे तो भी दोनों सिलेक्ट होंगे। और मैं गया ज्योमेट्री में, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 1 और 2 इन दोनों को मर्ज तो हम कर रहे हैं, पर मर्ज करने के बाद जो इन दोनों का नंबर होगा वो क्या होगा, 1 रखना चाहते हो कि 2 रखना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ 1 हो और मैं मर्ज पे क्लिक कर देता हूँ, क्लोज। ये देखिए 1 हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज करना, तो हम दोबारा से जाएंगे ज्योमेट्री, मर्ज, और मैं चाहता हूँ इनका नंबर हो 3 और मर्ज पे मैंने क्लिक किया, ये मर्ज हो गया। तो ये था आपका मर्ज करना मेंबर को। उसके बाद आता है री नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसका नंबर है आपका 3 और इसका नंबर है 4। मैं चाहता हूँ इसका नंबर हो 500 और इसका नंबर हो 501। तो मैंने सेलेक्ट किए, मैं गया ज्योमेट्री में, तो री नंबर, किस चीज़ का री नंबर कर रहे हैं, मेंबर्स का, किसी भी चीज़ का कर सकते हो, नोड मेंबर प्लेट एंड सॉलिड्स, मेंबर का कर रहे हैं, यस। कोऑर्डिनेट्स को सबको इधर ले जाइए, ठीक है। क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स को सबको इधर ले आना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500 और यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रहा है, एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, 500 501, ठीक है। इसी तरह हम नंबर
चेंज कर सकते हैं, जिनका जिन मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे उसी का नंबर चेंज होगा। एक बार ज्वाइंट का करके देखते हैं, शिफ्ट प्लस एन से ज्वाइंट नंबर और ज्वाइंट बीम कर्सर ले लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं, देन गो टू री नंबर नोड्स, सेम प्रोसीजर यहाँ पर डाल देते हैं 1000 और ओके कर देते हैं। देखिए 1000, 1001, 1002 तो इस तरह से होता है हमारा नोड्स के नंबर को। नेक्स्ट क्या है आपका स्प्लिट बीम। मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट बीम और इंसर्ट नोड सेम चीज़ है। देखिए कैसे मैंने इस बीम को सिलेक्ट किया और ज्योमेट्री में गया, यहाँ पर है स्प्लिट बीम और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो कौन सा ऑप्शन खुल जाता है, वही आपका इंसर्ट नोड का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। ये भी एक बड़े काम की चीज़ है, दरअसल ये एक एरर है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं इस टूल से। देखिए एरर मुझे बनाना पड़ेगा, पहले मैं पहले बता चुका हूँ ये एरर्स आते हैं जब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बीम बनाया 10 मीटर का, 0 से 10, और मैं ग्रिड को हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं एक कोई कोऑर्डिनेट डालता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमने यहाँ क्या बनेगा जॉइंट। तो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट डाला एक्स में 5 डायरेक्ट मीटर देन 0 0 0, तो एक जॉइंट हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, देखिए अब मैं इस मेंबर को अगर सिलेक्ट करूं तो पूरा सिलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक जॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब इस मेंबर के ऊपर है जॉइंट हमारा। ठीक है, ये जो जॉइंट है ये इस मेंबर के ऊपर है, इस मेंबर के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये जॉइंट हट जाए तो सिंपल नोट कर से इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया कीबोर्ड से। पर अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर ये नोट है वहीं से बीम ब्रेक हो जाए तो क्या करना है, हमें ये नोट सेलेक्ट करना है, गो टू ज्योमेट्री और यहाँ पे करना है हमें ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स। मतलब समझ रहे हैं, आपका बीम ब्रेक होगा जो नोड हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं ज्योमेट्री, ब्रेक बीम सेलेक्ट नोड, यहाँ देखिए आ गया ऑप्शन आपका वार्निंग सॉरी मैसेज, तो वन न्यू बीम क्रिएटेड, ओके करके देखा। अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं बीम को, ये देखिए। अब ये पता कैसे चले कि ये इसके ऊपर जॉइंट था, क्लिक करके देखना पड़ेगा हमें, या एक और तरीका है अगर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है तो। एक बार कंट्रोल जेड करके कर लेते हैं हम, ये देखिए जब मैं शिफ्ट और एन प्रेस करता हूँ तो नोड नंबर आते हैं और शिफ्ट बी से बीम नंबर। तो यहाँ पे बीम नंबर थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है कि ये बीम का नंबर यहाँ पे शो कर रहा है सेंटर में और नोड नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। अगर जब भी आपको नंबरिंग क्लियर ना दिखाई दे तो समझ लिए कुछ गड़बड़ है सिंगल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड्स। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग मॉडल बाय यूजिंग स्ट्रक्चर विजार्ड, या हम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ और थोड़ी सी चीजें हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो शिफ्ट प्लस बी से बीम नंबर, शिफ्ट प्लस एन से नोड नंबर आते हैं और यहाँ पर जो ये आइकन है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस पर आता है डिस्प्ले करने से सबके हमारे डायमेंशंस डिस्प्ले हो जाती हैं और रिमूव करने से डायमेंशन रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट में डाल दूँ कि बीम नंबर 2 की डायमेंशन शो हो तो उसकी शो होगी केवल और उसी की रिमूव होगी। ये जॉइंट डिलीट कर देते हैं तब थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, शिफ्ट बी इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दो बीम है 1 और 2, मैंने इस पर क्लिक किया डायमेंशंस टूल पे और यहाँ पे किया डिस्प्ले तो दोनों की लेंथ दिखा रहा है, रिमूव पे किया तो दोनों की रिमूव हो रही है। मैं चाहता हूँ केवल 2 की डिस्प्ले करे, तो डिस्प्ले पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया 2 डिस्प्ले तो 2 की डायमेंशन बताएगा। ठीक है, इसके बाद एक टूल इसी के बगल में, इससे आपको बता चुका हूँ पहले, जॉइंट टू जॉइंट डिस्टेंस बताता है, जॉइंट टू जॉइंट पर क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस इस तरीके से बताएगा। और इसके बगल में जो आपका ब्लू कलर का आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। और इसके बगल में क्वेश्चन मार्क के का आइकॉन है वाला आपका, इस पर क्लिक करोगे तो हर चीज़ के बारे में बताता है कि ये वीडियो 10 स्पेस में बनाई गई है, इतने नोट्स हैं, इतने जॉइंट्स हैं और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, और उसको डिटेल में हम बाद में जानेंगे। सर रिजल्ट्स हैं,
तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं सॉरी, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी बनाऊं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।